Welcome back to my channel, which is Teacher Cool. I am here again with the new lecture of Classical Mechanics. In the previous lectures, we did the generalized acceleration, velocity and displacement, and today we'll move forward and we'll go to the new concepts like generalized momentum, generalized force and so on. And in the previous one, we also did one thing which was Jacobian, which meant that whether the conversion of my coordinates from one to another generalized coordinates, which is compatible with my question, is valid enough. So the procedure or the way to verify that conversion is my Jacobian, through which the determinant of Jacobian should not be come out to be zero. So let's move forward. We'll start today with generalized momentum. Generalized momentum. Okay, momentum पे जाने से पहले हमने velocity निकाल ली है, acceleration निकाल रखी है. Obviously हम पहले करते थे mass into velocity, हमारा momentum होता था, लेकिन अभी क्या है, हमने velocity निकाल ली है. velocity से हम kinetic energy निकालेंगे, जिसमें हम directly value put कर सकते हैं. उस kinetic energy से हम वापस आएंगे momentum पे. ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि जब हम directly linear motion की बात करते हैं, तो उस time पे हमारे पास सिर्फ कुछ ही components रहते हैं, जिसको हम directly mass into velocity करके momentum को निकाल देते हैं. लेकिन जब हम generalized coordinates की बात करते हैं, तो उस point के अंदर कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ components ऐसे होते हैं जो हमारी direct वेलोसिटी से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो छूट सकते हैं. तो इसलिए हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे. काइनेटिक एनर्जी विल इंक्लूड ऑल द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स, एंड उनके कारण जो वेलोसिटी आएगी, उससे मेरे पास एक कंप्लीट मोमेंटम निकल के आएगा. ठीक है, तो मूव करते हैं. काइनेटिक एनर्जी, सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, टी से उसको रिप्रेजेंट करते हैं. तो आई विल राइट टी इज माई काइनेटिक energy, and kinetic energy T will be given by summation I equals to 1 to n half mi into ri dot ka square, hai na. ri kya hai mera displacement, ri dot is my velocity, and the expression for kinetic energy is half m v square. इसी को मैं क्या लिख सकती हूँ, समेशन I इज इक्वल्स टू वन टू n हाफ एम आई को मैं बाहर रखती हूँ, अंदर डालती हूँ आर आई डॉट वैक्टर इंटू आर आई डॉट वैक्टर, है ना. अब प्रीवियस लेक्चर में हमने जनरलाइज्ड वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकाला था, जो था आर आई डॉट वैक्टर इज गिवन एज समेशन, यहाँ पे r हाई है तो i करते हैं अभी के लिए, इक्वल्स टू वन टू थ्री एन, एंड इट वॉज डेल r i बाय डेल q j, है ना. यहाँ पे सॉरी ये j आएगा, डेल q j इंटू क्यू जे का डॉट प्लस डेल r i वेक्टर का टाइम डेरिवेटिव, है ना, यही आया था. What we'll do is, we'll substitute this value into the above equation. तो मेरी t की equation क्या आएगी, summation I equals to 1 to n, जो ये वाला summation है, half m i bracket के अंदर r i, एक को हम लिखते हैं j की terms में अभी के लिए, तो क्या आ जाएगा, summation j equals to 1 to 3 n डेल आर आई बाय डेल क्यू जे इंटू क्यू जे का डॉट प्लस डेल आर आई वेक्टर बाय डेल टी डॉट. एक आर आई की वैल्यू डाल दी, दूसरी आर आई की अब हम किस में डालेंगे, के की टर्म्स में डाल देते हैं. तो मेरी क्या आएगी वैल्यू, समेशन के इक्वल्स टू वन टू थ्री एन डेल आर आई वेक्टर बाय डेल क्यू के, Q
क्यू के डॉट प्लस डेल आर आई वेक्टर का टाइम डेरिवेटिव। यहाँ तक क्लियर है सबको? आगे चलते हैं, इनका ब्रैकेट्स खोलते हैं। तो मेरे पास क्या आएगा, समेशन आई इक्वल्स टू वन टू एन, पहले ये वाली टर्म एक ब्रैकेट को खोलेंगे, समेशन समेशन एक साथ लिख देते हैं, जे इक्वल्स टू वन टू थ्री एन, है ना, हाफ ब्रैकेट यहाँ लगा देते हैं, एम आई डेल आर आई वेक्टर बाय डेल क्यू जे इंटू क्यू जे डॉट प्लस ये वाला इसके साथ जाएगा, समेशन आई इक्वल्स टू वन टू एन हाफ एम आई डेल आर आई वेक्टर बाय डेल टी, दूसरा ब्रैकेट एज इट इज, समेशन के इक्वल्स टू वन टू थ्री एन डेल आर आई वेक्टर बाय डेल क्यू के इंटू क्यू के डॉट प्लस डेल आर आई वेक्टर बाय डेल टी। यहाँ तक क्लियर है? अब ये वाला ब्रैकेट भी खोलेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, समेशन I equals to 1 to n, summation j equals to 1 to 3 n, and the third summation k ki, summation k equals to 1 to 3 n, half m I, ye wala derivative, del r I vector, del q j, ye wala derivative, del r I, डेल क्यू के इंटू क्यू जे डॉट क्यू के डॉट दिस वन इंटू दिस वन। यहाँ तक क्लियर है? प्लस ये दो समेशन एक इसके साथ आएगा तो क्या आएगा, समेशन आई इक्वल्स टू वन टू एन समेशन जे इक्वल्स टू वन टू थ्री एन हाफ एम आई डेल आर आई वेक्टर बाय डेल क्यू जे इंटू डेल आर आई वेक्टर बाय डेल टी इंटू क्यू, सॉरी यहाँ पे जे क्यू जे का डॉट, दिस टर्म मल्टीप्लाइड विद बोथ दीज टर्म्स। अब सेकेंड में ये वाली इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, प्लस समेशन आई इक्वल टू वन टू एन इंटू समेशन के इक्वल्स टू वन टू थ्री एन हाफ एम आई डेल आर आई बाय डेल टी इंटू डेल आर आई बाय डेल क्यू के इंटू क्यू के का डॉट प्लस ये वाला समेशन सिर्फ इसके साथ, समेशन आई इक्वल्स टू वन टू एन हाफ एम आई डेल आर आई बाय डेल टी इंटू डेल आर आई बाय डेल टी, यही रहेगा। तो ये मेरे पास एक फाइनल इक्वेशन आएगी काइनेटिक एनर्जी की। यहाँ तक क्लियर है सबकी? ये निकल रही है, इसको अगर अब हम ध्यान से देखेंगे, दिस इज डेल आर आई बाय डेल टी का होल स्क्वायर, इन दोनों में इसमें आई और जे का समेशन है, इसमें आई एंड के का समेशन है, रेस्ट ऑफ द टर्म इज ऑलमोस्ट इक्वलेंट, सिर्फ जो हमारी नोटेशन है उसका फ़र्क है। तो अगर हम नोटेशन को बैलेंस करें, आई जे रख लें या आई के रख लें फॉर द टाइम बीइंग, तो मेरी ये इक्वेशन दोनों सेम हो जाएंगी, सेम होगी तो टू टाइम्स हो जाएगी, टू टाइम्स होएंगी तो दोनों में हाफ है वो हाफ कॉमन आएगा, तो वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरे पास एक ही टर्म बचेगी। तो अगर मैं इस इक्वेशन को अब वापस से ऊपर लिखती हूँ तो क्या आएगा, इस हाफ को मैं बाहर लिख लेती हूँ, आई विल गेट काइनेटिक एनर्जी इज हाफ समेशन आई इक्वल्स टू वन टू एन
summation j equals to 1 to 3n, summation k equals to 1 to 3n. First term, mi into del ri by del qj into qj ka dot del ri by del qk into qk ka dot. First term complete hogi plus हाफ हाफ दोनों सेम करेंगे, वन आ जाएगा तो इसका एक ही लिख लेते हैं. समेशन आई इक्वल्स टू वन टू एन, समेशन जे इक्वल्स टू वन टू थ्री एन, एम आई डेल आर आई बाय डेल क्यू जे इंटू डेल आर आई बाय डेल टी इंटू क्यू जे का डॉट प्लस हाफ बाहर लिखते हैं. समेशन आई इक्वल्स टू एन वन टू एन एम आई डेल आर आई बाय डेल टी का होल स्क्वायर. तो ये एक्सप्रेशन मेरा आया काइनेटिक एनर्जी का फाइनल इन टर्म्स ऑफ माय जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स. अब एक बार को अगर मैं रब करूं तो इसमें से हमारे पास क्या होता है, एक चीज़ अगर हम ऑब्जर्व करें तो काइनेटिक एनर्जी इज़ ओनली हाफ एम वी स्क्वायर जब हम नॉर्मली बात करते हैं लीनियर मोशन की. लेकिन यहाँ पे हमारे पास तीन तरह की टर्म्स आ रही हैं जिसके अंदर डेरिवेटिव के ऑर्डर्स भी कह सकते हैं एंड समेशन के ऑर्डर्स भी कह सकते हैं. हमारे पास जो फर्स्ट टर्म आई है दैट इज़ डबल ऑर्डर, उसके अंदर जो पोजीशन कह सकते हैं या जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स के रिस्पेक्ट में जो मेरा डेरिवेटिव आ रहा है उसके सेकेंड ऑर्डर है. आई जस्ट शो यू इस टर्म के अंदर एक दो दो डेरिवेटिव है, इसके अंदर एक डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स और इसके अंदर कोई भी कोऑर्डिनेट्स नहीं है डेरिवेटिव का. तो इसका अगर मैं जनरल फॉर्म निकालूं तो टी कैन बी रिटन एज t of second order plus t of first order and t of zero order. साफ साफ दिख रहा है डबल डेरिवेटिव सिंगल डेरिवेटिव नो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स.